हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। काफी दिनों से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इन्होंने मुझे जो बर्थडे पे कुर्तीज दी है वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इन्होंने मुझे बर्थडे पे कुछ कुर्तीज दी है और वो मैं सेपरेट हॉल में आपके साथ शेयर करूंगी। इसी वजह से काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो कुर्तीज मैं शेयर करूँ, इसीलिए फाइनली मैंने सोच लिया कि आज आपके साथ मैं वो कुर्तीज शेयर करूंगी। और वो जो कुर्तीज है इन्होंने मुझे मीशो से ऑर्डर करके दी थी। एक्चुअली मैंने ही सिलेक्ट की थी सारी कुर्तीज, बट उन्होंने पे किए थे तो वो उनकी तरफ से गिफ्ट है, इसी वजह से वो मैं बोल सकती हूँ कि उन्होंने दी है। और ये है वो कुर्तीज जो मैंने सिलेक्ट की थी, ये 5 कुर्तीज है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर कुर्तीज़ है। और आपको अगर नहीं पता है कि मीशो क्या है तो मैं आपको बता दूं कि मीशो एक शॉपिंग ऐप है जहाँ पर काफ़ी सारे आइटम आपको मिल जाते हैं और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। और सबसे खुशी की बात ये है कि यहाँ पर आप बिजनेस भी कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं एक क्लिप आगे आपको दिखा दूंगी कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना होगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। और जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें अपना नंबर डाल के साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ये ऐप ओपन होगा और इसमें आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके किचन के लिए, सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे और वो भी बहुत ही कम दाम में। जैसे कि मुझे ये कुर्ता पसंद आ गया था और मुझे इसे सेल करना है तो मुझे क्या करना होगा, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है शेयर नाउ का, उस पर क्लिक करना होगा। उसको मुझे अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा, इसका डिस्क्रिप्शन और इसका इमेज मुझे शेयर करनी होगी। अगर किसी को ये कुर्ता पसंद आता है तो आपको उससे उसका साइज जानना है और उसका साइज ऐड करने के बाद उसे कंटिन्यू करके ऐड टू कार्ट कर देना है। फिर आपको राइट हैंड साइड में जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ट्रॉली का, उस पर क्लिक करके आपको कार्ट में चले जाना है और उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम, फ़ोनपे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने कुर्ता सिलेक्ट किया था वो कुर्ता आ गया है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो ब्लैंक जगह दिख रही है कैश टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो उसमें अपना मार्जिन डाल के आपकी कैश डाल देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 599 लिख दिया है तो इसमें मेरा मार्जिन जो है वो नीचे आ जाएगा, 168 जो मेरा मार्जिन है वो नीचे आ गया है। ऐसे ही 431 का कुर्ता आप 599 में बेच सकते हो। आप जितना भी मार्जिन इसमें ऐड करना चाहो उतना मार्जिन आप इसमें ऐड कर सकते हो और जितना अमाउंट आता है, टोटल कॉस्ट जितनी आती है वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको एड्रेस मांगेगा, तो आप अपने कस्टमर का एड्रेस दे के उस एड्रेस पर ये मंगा सकते हो। अगर आपको ये खुद के लिए मंगाना है तो जो टोटल कॉस्ट है वही आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी और इसमें आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, तो ये आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। तो मेरे पास 5 कुर्तीज है तो एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी कुर्तीज है। तो सबसे पहले है ये कुर्ती, तो ये कुर्ती अब मैंने एक ब्लॉग में पहनी थी, आपने देख ही ली है। तो ये कुछ इस तरह से है और बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मुझे ये कुर्ती। सिर्फ थोड़ा सा जो कपड़ा है इसका थोड़ा थिन है, मतलब थिन मीन्स सी थ्रू नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इसका डिज़ाइन, इसका जो कपड़ा है और इसका जो प्रिंट है वो सारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये कुछ इस तरह से है, 3-4 स्लीव्स है और कॉलर नेक है इसका। यहाँ पर बटन्स दी है, आप देख सकते हो यहाँ पर बटन्स लगाई है, सिल्वर कलर की बटन्स दी है। और ये जो कुर्ती है वो ए लाइन कुर्ती है, तो आप देख सकते हो इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। डार्क ब्लू कलर में है और इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स दिए हैं, ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। और आपने व्लॉग में देख ही लिए पहने हुए मुझे ये, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये कुर्ती। और इस कुर्ती का पिक मैं साइड में लगा दूंगी और इसका प्रोडक्ट कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मीशो ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मीशो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट पर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और आपको बिजनेस नहीं करना है तो आप वहाँ से परचेस भी कर सकते हो। So I said, no, 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 it was supposed to be my pants, girl, what did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions, I can't believe you're trolling. मेरे जो हाइट है वो है 5'7" और मुझे जो साइज लगती है वो यम लगती है। तो ये कुर्ती है मेरी फर्स्ट कुर्ती। सेकेंड कुर्ती भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है और कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो येलो कलर है और मेरा फेवरेट कलर है ये। और इसकी भी 3-4 स्लीव्स है और बट स्लीव्स थोड़ी सी यूनिक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर गोटा पट्टी लगाई है और स्लीव्स पे ये फ्रिल दी है और इसका जो नेक है वो राउंड नेक है और इस पर भी बटन दी है, यहाँ पर थ्रेड की बटन है।
ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से इस कुर्ती का। इसका भी पिक आपको दिखा दूंगी मैं, बट इसके नीचे आप देख सकते हो, इसके नीचे भी फ्रिल है, यहाँ पर गोटा पट्टी लगाई है, और फ्रिल ना दोनों साइड से है, पीछे से भी है और आगे से भी है। और इस पूरी कुर्ती पे प्रिंट है इस तरह से व्हाइट और मरून कलर की, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये भी कुर्ती पहनने के बाद। और इसमें भी मेरा साइज है यम। So I said, no, 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 it was supposed to be my pants again. What did you do to me? I killed down, no one to free for champions. I can't believe it. ये है मेरी सेकेंड कुर्ती। थर्ड कुर्ती आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है ये कुर्ती भी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये कुर्ती। और इस कुर्ती का घेर ना बहुत ही ज़्यादा दिया है इन्होंने, आप देख सकते हो, ये अम्ब्रेला कुर्ती है और इसका घेर बहुत ही ज़्यादा दिया है इन्होंने। तो इसकी घेर की वजह से ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ओवरऑल प्रिंट कुछ इस तरह से है इस पर। ये फॉइल प्रिंट है, बट अगर आप फॉइल प्रिंट का थोड़ा सा ध्यान से वॉश करते हो ना, तो ये फॉइल प्रिंट नहीं निकलेगा, मतलब आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा, मशीन वॉश नहीं करना पड़ेगा इसे। तो इस तरह से ये ओवरऑल कुर्ती पर प्रिंट है, और यहाँ पर इसका नेक देख सकते हो आप, यहाँ पर फ्रंट में इस तरह से डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। पिंक कलर की कुर्ती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, और इसका प्रिंट भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। नीचे का भी प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ऊपर का भी प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट में इस तरह से डिज़ाइन और इसमें राउंड नेक बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इसी वजह से मैंने ये कुर्ती ली थी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है आने के बाद। तो इसमें भी मेरा साइज़ है एम। So I said, no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down, no one to free for champions. I can't believe you tried. और ये भी कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ये है मेरी थर्ड कुर्ती, और फोर्थ कुर्ती है ये, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। तो इसमें ना मुझे साइज़ थोड़ा सा गलत आया है, मैंने यम ऑर्डर किया था और मुझे एस साइज़ मिल गया, बट मैंने यस साइज़ रख लिया था। कभी कभी एक साइज छोटे भी कपड़े हमें रखने चाहिए हमारे वार्डरोब में, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इसको देख के हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं कि इसमें फिट आना है, तब तक हम अपना वेट लूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये रख ली है। चाहते तो मैं इसे रिटर्न भी कर सकती थी, क्योंकि इनकी 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, तो आप रिटर्न भी कर सकते हो इसमें, बट मैंने रिटर्न नहीं की, मैंने ये रख ली थी। तो ये कुर्ती कुछ इस तरह से, इसमें भी स्लीव्स 3/4 दी है, और इसका जो कलर है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, ये यहाँ पर येल्लो भी बोल सकते हो आप, और थोड़ा सा ग्रीन में से येल्लो है ये, और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये कलर। मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इस कलर को, बट लाइट ग्रीन कलर भी बोल सकते हो आप इसे। और स्लीव्स पे जो ये डिज़ाइन दी है ना, इसकी वजह से मुझे ये कुर्ती बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लुक आता है इसका, बट थोड़ी छोटी है इसी वजह से मैं ये पहन नहीं पा रही हूँ। बट इसको देख देख के मैं अपना वेट लूज़ करूँगी, और फिर ये कुर्ती पहनूंगी, और आप देख लेना फिर कैसी लगती है मुझ पर ये कुर्ती। तो इसका घेर भी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे वो वाली कुर्ती थी अभी मैंने इसके पहले जो आपको कुर्ती दिखाई, वैसा ही इसका भी घेर है, और बहुत ज़्यादा घेर है। और मुझे ना ज़्यादा घेर वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और किसको नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो फिगर है वो बहुत अच्छा दिखता है, मतलब ऊपर से कम और नीचे से थोड़ा सा घेर दिखता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फिगर इसमें। तो इसीलिए ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसका जो नेक है वो पैक नेक है, मतलब कॉलर नेक है, स्टैंड कॉलर, और इसके यहाँ पर बटन्स दी है, शो बटन्स, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बीच में स्टोन दिया है। तो ओवरऑल इस कुर्ती की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें से अगर कोई भी कुर्ती आपको पसंद आती है तो आप परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी कुर्ती थी, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। So I said, no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down, no one to free for champions. I can't believe you tried. तो ये है मेरी फोर्थ कुर्ती, और लास्ट कुर्ती भी आपने देख ही ली है। ये मुझे बर्थडे पे पहने हुए, मतलब रात को जब मैंने केक कट किया था उस टाइम मैंने पहना था इसे, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है कुर्ती। ये कलर तो मेरा फेवरेट है ही, और आप देख सकते हो इसकी भी स्लीव जो है वो 3/4 स्लीव है, नेक कुछ इस तरह से है, राउंड नेक है, और यहाँ पर वी नेक दिया है, तो इस तरह से नेक है, और फ्रंट में कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। ये एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है, यहाँ पर सिक्के लगाए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है इसकी वजह से। और नीचे से ये कुर्ती जो है वो इस तरह से है, मतलब यहाँ पर फ्रिल दी है रेड कलर की, और यहाँ पर भी एक पट्टी दी है रेड कलर की, और इस कुर्ती पे ओवरऑल प्रिंट कुछ इस तरह से है।
तो मुझे ये कुर्ती भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और पहनने के बाद तो ये कुर्ती और भी ज्यादा प्यारी लगती है। और ऐसा है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्शन के हो, फेयर मीडियम या डार्क कॉम्प्लेक्शन के, तो किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे ये कलर सूट करता है, तो इसीलिए मुझे ये कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इससे ना आप थोड़े से फेयर लगते हो, इसीलिए ये कलर मेरा फेवरेट कलर है। तो ये कुर्ती है लास्ट कुर्ती, और मुझे ये भी कुर्ती बहुत ज्यादा पसंद आई, और इसका कपड़ा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसमें भी मेरा जो साइज है वो यम मैंने लिया है, तो बहुत सुंदर है ये कुर्ती भी। So I said no, 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 it was supposed to be my pants, so girl, what did you do to me? I killed down, no one to three for champions, I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pants, so girl, what did you do to me? I killed down, no one to three for champions, I can't believe you're ये थी मेरी वो सारी कुर्ती जो इन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। आई होप ये सारी कुर्तीज आपको पसंद आई होगी। अगर ये कुर्तीज आपको पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अगर वो भी यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट पे, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपके शेयर करने से। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।